दोस्तों मैक्स को हम लेके आए हुए हैं सर्विस करवाने, और ये देखे कितना शरीफ बच्चा बन के बैठा हुआ है, हालांकि ये है नहीं है। दोस्तों मैक्स आया हुआ है सर्विस करवाने, तो मैंने सोचा इसको आज वेट के पास लेके चलते हैं। हर रोज मतलब घर पे तो हम करते हैं कुछ टाइम बाद, लेकिन सही से नहीं होती, तो मैंने सोचा वेट के पास लेके चलते हैं, वहाँ से करवाते हैं और इसको सही बाबू शाबू बनाते हैं। तो जी दोस्तों, मैक्स हमारा बाबू शाबू बन गया है, इसकी अच्छे से खातर तवाजा हो गई है, और अब हम मैक्स को लेके जा रहे हैं घर। बाहर बारिश भी हो रही है और मैक्स थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो गया है, और ये बोल रहा है, और इसको पता भी चल गया कि आज मैं नहा धो के आया हूँ। मौसम कितना अच्छा है और पीछे मैक्स सो गया है, आराम फरमा रहा है। थोड़ी देर पहले ये एग्रेसिव हो रहा था, लेकिन अब इसे देखे कितना शरीफ और अच्छा बच्चा बन के आराम कर रहा है, और अब इसे कोई टेंशन नहीं है। पहले इसे मतलब जोश में था, लेकिन अब इसका जोश थोड़ा सा नींद में चला गया। और दोस्तों आज मैक्स के लिए हम इसके मतलब कुछ टॉयज भी लेके आए हैं, कुछ इसके लिए खाने भी लेके आए हैं, और वो मैं आपको घर जाके दिखाता हूँ। और अब चलते हैं हम घर। तो जी दोस्तों, आज मैक्स को हम लेके गए हुए थे सर्विस करवाने। मैक्स की थोड़ी हाथर तवादा हो रही है, और ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था, तो इसलिए हम मैक्स को लेके गए थे बाहर। ये देखें, ये बैठा हुआ है अंदर। मैक्स क्या हुआ? जी दोस्तों, मैक्स को आप देखें सर्विस करवाने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा। मैक्स गो, मैक्स गो। ये देखें दोस्तों, फुल एक्टिव आज गो, मैक्स बहुत प्यारा लग रहा है। मैक्स गो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो दोस्तों मैं और मेरा छोटा सा फैन, हम लोग बैठे हुए हैं अपने बर्ड्स के पास। मैं इसे अपने बर्ड्स दिखा रहा था। तो दोस्तों एक और टेंशन है, अभी तक मेरी फिंचेस ने नेस्टिंग स्टार्ट नहीं की। दोस्तों मेरे से गलती हो गई थी, जो मैं आज़ाद करने के लिए लेके आया था स्पैरोज, वो मैंने इस पिंजरे में छोड़ दी, और उनको पकड़ने के चक्करों में और उनको छोड़ने के चक्करों में ये डर गई हैं। तो दोस्तों अभी इनका वेट है, अब पता नहीं ये कब नेस्टिंग स्टार्ट करेंगी, लेकिन है फ्रेश, लेकिन उन्होंने नेस्टिंग स्टार्ट नहीं की। और नीचे माशाल्लाह से डायमंड डव जो हैं, ये मुझे उम्मीद है बहुत जल्द ये अंडे दे देंगी, क्योंकि ये माशाल्लाह से खुश भी हैं और इनका पेयर भी लग चुका है। लेकिन दोस्तों ये जो पेयर है ये अंडे पे बैठना छोड़ गए। दोस्तों कबूतरों का पेयर है, पता नहीं क्या हुआ है, ये अंडे पे नहीं बैठ रहे। मैं दो दिन से इन्हें नोट कर रहा हूँ, लेकिन ये अंडे पे नहीं बैठ रहे। अब पता नहीं क्या होगा, बैठेंगे नहीं बैठेंगे, मुझे तो लग रहा है ये अंडा भी वेस्ट है। और दोस्तों हमारे पीछे ये देखें दोस्तों, पैरट्स, ये माशाल्लाह से पेयर लग गया। ये भी मेल है, मुझे कंफर्म हो गया, क्योंकि ये जो आपस में मस्तियां करते थे, लेकिन आज मैंने देख लिया, ये जो है ब्लू वाला रेनबो कलर में, ये अंदर जो ग्रीन फीमेल है इसके साथ इसका पेयर लग गया। वो नज़र नहीं आ रही, पता नहीं किधर छुपी हुई है, लेकिन वो ग्रीन वाली इस पे है। और दोस्तों ये जो येलो वाला है इसका पेयर लग गया इस फीमेल के साथ, ये जो ऊपर बैठी हुई है दोस्तों, ये जो अंदर से देख रही है, और वो जिसकी आंख का मसला है वो पेयर लग गया उसके साथ। माशाल्लाह से हमारे तीनों पेयर प्रॉपर लग गए हैं। सबने अपने अपने घर सेलेक्ट कर लिए हैं दोस्तों, एक ने वो वाला, एक ने ये वाला, और एक ने ये वाला, और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द ये अंडे इंशाल्लाह दे देंगे। और दोस्तों हमारे बटेर ये माशाल्लाह से बहुत हैप्पी हैं, इस पिंजरे में फुल इंजॉय कर रहे होते हैं। लाइट ऑन कर दें तो ये ज़्यादा मस्ती में आ जाते हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इनकी भी ब्रीडिंग होगी, लेकिन इनका ब्रीडिंग का मुझे इतना खास पता नहीं है, लेकिन देखेंगे अगर इन्होंने अंडे दिए तो देखेंगे क्या करना है। ये देखें दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था ये पेयर लग गया। ये देखें एक दूसरे के साथ मस्तियां कर रहे हैं, रेनबो कलर में और ग्रीन कलर में। दोस्तों मैंने अभी तक अपने दिलबर को मिर्च नहीं दी, हम जल्दी से इसे मिर्च दे लेते हैं। तो जी दोस्तों हम मिर्च ले आए हैं अपने दिलबर के लिए। आज इसको दो दिन के बाद मिलने लगी है मिर्च, और मिर्च भी इतनी अच्छी नहीं पड़ी हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, दे देते हैं, ये खाएगा।
तो दोस्तों ये खाने लग गया, ये इसलिए शोर कर रहा था कि इसे मिर्च चाहिए थी। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा फैन आया हुआ है, हेलो कर दो, हेलो। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्यारा सा माशाल्लाह फैन है और ये मेरे घर पे मेरी कैट्स और मैक्स और लैला को मिलने आया है। और दोस्तों मैं इसकी जो फेवरेट है, दोस्तों आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरा फेवरेट है ब्लैक। ब्लैक, तो अभी ब्लैक को खोलूं या वाइट को? वाइट को खोलूं। तो दोस्तों अपने फैन की डिमांड पे मैं खोलने लगा हूँ लैला को, तो देखते हैं लैला क्या रिएक्ट करती है। लैला कम, लैला कम, आजा, कम 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 कम, लैला कम कम। ओ मैक्स नहीं काटेगा, ये काटेगा नहीं, काटेगा नहीं, काटेगा, ये खेल रहा है, आप भी खेलो। ये देखो दोस्तों नो नो मैक्स नो लैला कम। चलो अब आप बुलाओ इसे, प्यार करो। वाओ, तो दोस्तों ये डर नहीं रहा, ये लैला के साथ खेल रहा है, प्यार कर रहा है माशाल्लाह से। तो दोस्तों ये माशाल्लाह से डर नहीं रहा लैला से। नहीं काटती, नो मैक्स। दोस्तों आज हम मैक्स की सर्विस करवाने लेके गए हुए थे और ये देखिए कितना फ्रेश लग रहा है माशाल्लाह से, आज बहुत प्यारा लग रहा है अभी। तो दोस्तों आज मैक्स की हम कुछ चीज़ें भी लेके आए हैं, इसकी फूड लेके आए हैं, इसके लिए कुछ एक इसके लिए इसका गिफ्ट भी लेके आए हैं। और दोस्तों अभी थोड़ी देर में मैक्स का गिफ्ट भी मिल जाएगा मैक्स को। नो मैक्स, नो नो लैला, नो लैला नो, कम कम लैला कम, नो मैक्स। इनके काम देखें दोस्तों, और अच्छा उधर वीडियो के साथ साथ इसके काम देखें दोस्तों, मैं जूम आउट कर लूं। दोस्तों इसके काम देखें, ये क्या कर रही है, ये यहाँ पे आ गई है मेरे पास जी, किस करनी है दोस्तों, ये किस करने के चक्करों में है, लेकिन मैंने इसको किस नहीं करनी। और दोस्तों साथ साथ गोल्डी भी आ गई है और हमारी ऐसा भी आ गया। और दोस्तों इनके काम देखें, ये स्टिल लड़ रहे हैं, मैंने इसको खोला था कि ये छोटे से फैन के साथ इंजॉय करे, ले ये आपस में करने लग गए। दोस्तों उसको गुस्सा आ रहा है, ये मेरे साथ क्यों नहीं खेल रही, ये मैक्स के साथ खेलने लग गया। आपने मैक्स के पास जाना, मैं काटता नहीं जाता, नहीं काटेगा, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ पास आ जाओ पास, मैं लेके जाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये मैक्स से डर रहे हैं, आ जाओ अब हाथ लगाओ मैक्स को, लगाओ हाथ, हाँ लगाओ, ऐसे नहीं मारना नहीं है, वो फिर एग्रेसिव हो जाएगा। मैक्स के सर पे हाथ लगाओ, मैक्स के सर पे काटेगा नहीं, काटेगा, लगाओ हाथ, देखो काट रहा है, काटेगा लेकिन पीछे को मैं करता हूं, अब करो। दोस्तों डर डर के, चलो वापस आ जाओ, वो देखा एकदम। दोस्तों माशाल्लाह से हनान डरता नहीं है, मैक्स से भी नहीं डरता, लैला से भी नहीं डरता और कैट से भी नहीं डरता, ये बहुत इजी होके कमरे में खड़ा हुआ है, देखिए अब स्नोबेल के साथ खेल रहा है। मैक्स के लिए आज गिफ्ट भी लेके आए हैं, जब इसकी डेंटिंग पेंटिंग करवाने गए थे, इसकी सर्विस करवाने गए थे, तो वापसी पे हमने इसके लिए गिफ्ट भी ले लिए हैं। और दोस्तों अभी हमने इसके अलमारी, मैक्स की अलमारी की सेटिंग भी करनी है, ये देखें फुल ख़राब हुई हुई है। और सबसे पहले तो ये पोर्टल साइड पर करें और ब्रश वगैरह ड्रॉ में है, इसकी लीश भी ड्रॉ में है और हम वाइप्स को भी यहाँ पे रख देते हैं। मैक्स की हमने अलमारी की सफाई कर ली है और बाकी इसकी चीज़ें ला के इसमें रखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि आज हम मैक्स के लिए क्या क्या लेके आए हैं और मैक्स का टॉय भी मैक्स को देते हैं और देखते हैं ये खेलता है कि मैक्स के लिए हम इतना कुछ आज ले आए हैं जिसमें मैक्स की ट्रीट भी है, जिस तरह एक ये है, एक ये है और एक ये है, आप किधर आ रही हो, आपकी नहीं है, और ये उसकी हड्डी भी लेके आए हैं, एक ये लेके आए हैं, ये उसका टॉय है, ये पेडिग्री बॉक्स लेके आए हैं, कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात पेडिग्री बॉक्स हैं, ये उसका परफ्यूम है, ये मैक्स के अगर मैक्स को कहीं पे चोट लग जाए तो वहाँ पे ये स्प्रे लगानी है, एक ये स्टिक्स के लिए लेके आए हैं, मतलब कोई जम्स वगैरह कीड़े वगैरह ना आ जाएँ,
ये पायोडीन और ये फिश कैप्सूल, ये सब चीज़ें मैक्स के लिए आई हैं। और मैक्स आज फ्रेश भी हो के आया। मैक्स बहुत प्यारा लग रहा है, शाइनी जेट ब्लैक लग रहा है। और दोस्तों हम जल्दी से मैक्स की चीज़ें उसकी कबर्ड में रखते हैं और उसके बाद मैक्स को उसका टॉय देते हैं और देखते हैं मैक्स क्या करते हैं। तो 1, 6 और ये 7, 7 बॉक्सेस रखती है और मेरी हेल्प कर रहा है हनान। हनान मुझे बाकी चीज़ें पकड़ाओ। ये इसको रखते हैं यहाँ पे, फिश कैप्सूल को रखते हैं बैक साइड पे और टॉय को अभी हम यहाँ पे रखते हैं और ये दो और हैं इनको हम बैक साइड पे रखते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ मैक्स की कबर्ड है और दोस्तों देखें इस नवाबजादे की ये कबर्ड है। तो दोस्तों हम इसका टॉय इसको देते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। हनान आप खोलो। वो खोल दिया है हनान ने। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा टॉय लेके आए हैं हम मैक्स के लिए। बाइट में लिखा हुआ है, बाइट में। और दोस्तों देखते हैं मैक्स इसके साथ क्या करता है। मैक्स ऐसे नहीं करेगा, उसको फेंकते हैं। दोस्तों हमने फेंक दिए, देखते हैं मैक्स इसके साथ क्या करता है, इसको बाइट करता है या नहीं। दोस्तों इसने इग्नोर कर दिया, नहीं खेलने के मूड में है। तो दोस्तों मैक्स के लिए ये हम ले आए हैं। मैक्स यहाँ पे पहले मैंने टायर रख दिए थे क्योंकि मैक्स अगर खेले तो टायरों के साथ खेले तो कोई मसला ना हो। पीछे आपको वो पर्दा नज़र आ रहा है। दोस्तों इसने इसके साथ खेलना शुरू कर दिया था तो ये फाड़ने लग गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे टायर रख दिए तो टायरों के साथ ये खेल। ये देखें दोस्तों इसके काम, देखें ये देखें इसके काम। दोस्तों मेरी एक टेंशन ख़त्म क्योंकि टायर भी बड़े थे, टायर्स के साथ ये अच्छे से नहीं खेल सकता था और अब इसके लिए ये टॉय आ गया और ये अब टॉय के साथ अच्छे से खेला करेगा। और दोस्तों एक और सरप्राइज है मैक्स के लिए, वो ये सरप्राइज है। दोस्तों यहाँ से हमने टायर कल हटा देने हैं और उसके बाद ये बुरा भी यहाँ से हटा देना है क्योंकि ये बुरा मैक्स के लिए सही नहीं है। जहाँ से हमने वॉश करवाया मैक्स की, डेंटिंग पेंटिंग करवाई है, इसकी सर्विस करवाई है, उन्होंने बोला है इसके लिए ये बुरा नहीं ठीक, इसके बालों को ख़राब करेगा। तो दोस्तों हम इस बुरे को कल हटा देंगे, टायर्स को भी हटा देंगे और यहाँ पे इसके लिए एक न्यू चारपाई ला कर रखेंगे और मैक्स उसके ऊपर बैठ के अपने इस टॉय से खेला करेगा। और दोस्तों लैला के लिए भी बहुत जल्द कोई अच्छा सेटअप लगाते हैं क्योंकि गर्मी आने वाली हैं, लैला गर्मियों में बाहर नहीं रह सकती। और मेरे से एक गलती हो गई है कि मैं इसके लिए टॉय ले आया हूँ, लैला के लिए नहीं लेके आया। तो दोस्तों कल हम लैला के लिए भी एक टॉय ले आएंगे ताकि लैला भी इसको देख के जेलिस फील ना करे। और दोस्तों मैक्स कितने मज़े से खेल रहा है इस टॉय के साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों हम मैक्स को ट्रीट भी देते हैं क्योंकि इसने टॉय के साथ अच्छा खेला है। इसको आप खोलो क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है, तो इसमें से एक निकालो, ये मैक्स के लिए एक और निकालो, एक आप दे देना, ये आप दोगे, वो बंद कर दो, बस 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 बंद कर दो। हाँ गुड बॉय, ऐसे ओके हो गया, ओके हो गया। तो दोस्तों ये हमने वापस रख दिया, ये देखें इनके काम। दोस्तों इनको मैं दिन में 3-3, 4-4 टाइम, ये देखें दोस्तों कितनी प्यारी लग रही थी, इसको अगेन आप भी आओ, आप जम करती हो, ये देखें दोस्तों। मिठी मिठी को देखते हैं, ये आप लोगों का नहीं है, ये मैक्स की ट्रीट है, आप लोगों के लिए भी मैं लेके आऊंगा कल। ये आप दोगे, इसको ऐसे ऐसे बंद करके रखो, कैट्स आपके पीछे ना है। तो दोस्तों मैक्स को हम ट्रीट देंगे। मैक्स ये यहाँ से ले ले यार। तो दोस्तों मैक्स ट्रीट ले गया, ये लो मेरे हाथ से पकड़ो। ये क्यों नहीं खा रहा, ये सैड हुआ है। मैक्स क्या हुआ आपको, खा लो उसको, देखे देखे। दोस्तों ये बहुत अच्छे तरीके से पकड़ेगी, देखना दोस्तों, थोड़ा और पास करो, थोड़ा और, नहीं काटेगी, बस उसको पकड़ेगी आराम से, बस उसको पकड़ेगी। आप सही नहीं दे रहे, थोड़ा नीचे नीचे से दो, अब आराम से इसके पास दो, ये देखना आराम से पकड़ेगी। वो देखे दोस्तों कितने मज़े से पकड़ के ले गई है और देखते हैं ये खाती है। दोस्तों लैला तो खाने लग गई है, मैक्स आप भी खा लो यार, अब ख़त्म करो इसे।
अच्छा लैला ने खाया, तो मैक्स ने खाना स्टार्ट किया। दोस्तों इनकी आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती पक्की हो रही है। लैला ने पहले खाया उसके बाद मैक्स ने खाना स्टार्ट किया। दोस्तों मैं हैरान हो रहा हूँ। दोस्तों मैं कंफ्यूज हो गया। ये जो कबूतर मैंने पकड़ा था फीमेल, जिसको मैंने समझा था ये फीमेल है, और ये भी कबूतर निकला है। वो देखें दोस्तों, जिसके साथ उसका मैं पेयर लगाना चाह रहा था वो उसी के साथ बोल रहा है, और ये भी कबूतर निकला है। ये देखें दोस्तों, वो बोल रहे हैं अंदर, और मुझे ये फीमेल लग रही थी, और वो देखें दोस्तों वो भी बोल रहे हैं, और ये आपस में लड़ भी रहे हैं। तो दोस्तों देखें, जो इनका अपना पिंजरा था मैंने इनको उसमें छोड़ा कि हो सकता है अब इनकी लड़ाई ना हो, और इनकी अभी भी लड़ाई हो रही है। आप लोग देखें दोस्तों, मुझे मेरा दिल ही टूट गया। मुझे लग रहा था वो फीमेल है, लेकिन वो भी मेल निकला है। दोस्तों मैं इनका पैर लगाना चाहता था, और अभी वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इनके हालात देखें दोस्तों। तो दोस्तों बाकी कबूतरों को मैंने बंद कर दिया, क्योंकि ये आपस में लड़ रहे थे, खाना नहीं था खा रहे, तो इसलिए मैंने बाकी कबूतरों को बंद कर दिया। तो दोस्तों ये अंडा मैंने अंदर से निकाला है। इस अंडे के ऊपर आज तो सारा दिन ना मेल बैठा ना फीमेल बैठी है, लेकिन हम फिर भी रिस्क ले लेते हैं, इस अंडे को हम अंदर रखते हैं। अगर इस अंडे पे बैठ के फीमेल या मेल या इसमें से बेबी निकल आया तो सरप्राइज होगा हमारे लिए। अगर ना निकला या इसके ऊपर ना बैठे, हम दो दिन और टेस्ट करेंगे। अगर ये वाला जो नीचे से मेल निकला है, ये फीमेल है ये मेल है, ये दोनों अगर इस अंडे पे ना बैठे, तो दोस्तों हम फिर इस अंडे को पकड़ेंगे और इस अंडे को खुद हीट दे के किसी तरीके से किसी बॉक्स वगैरह में डाल के इस अंडे को हीट दे के इसमें से बच्चा निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं क्या बनता है। तो दोस्तों हम इसको वापस रखते हैं। दोस्तों कबूतर अभी तक दाना सही से नहीं खा रहे, ये मस्तियां कर रहे हैं, और दोस्तों सुभान भी अभी तक खाना मिक्स कर रहे हैं। तो वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है ज़ू लाइफ। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो जैसी भी, आप लोगों ने लाइक जरूर करना है और वीडियो को पूरा देखना है। अल्लाह हाफिज़।